गुजरात के मुख्यमंत्री पद से विजय रूपानी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपने के बाद विजय रूपानी मीडिया से कुछ मिनट के लिए बातचीत किए। इस दौरान उन्होंने तमाम चीज़ों की जानकारी दी। उन्होंने अपने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत पार्टी के आला कमान का आभार व्यक्त करता हूं। रूपानी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में गुजरात ने नए आयामों को छुआ है। पिछले 5 सालों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि गुजरात से पहले इस साल बीजेपी उत्तराखंड और कर्नाटक में भी अपने मुख्यमंत्री को बदल चुकी है। रूपानी ने आगे कहा, संगठन और विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्वों को भी बदलते रहे। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में मिले दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने को चाह रहा हूं। अब मुझे पार्टी द्वारा जो भी जवाबदेही दी जाएगी, मैं उसे संपूर्ण दायित्व और नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम करूंगा। रूपानी ने कोरोना के दौर को भी याद किया और कहा, कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता को यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसका मुझे संतोष है। बताया जा रहा है कि रूपानी और पार्टी के संगठन के बीच काफी मतभेद पिछले दिनों से ही चल रहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से उनकी अनबन चल रही थी। बताया जा रहा है कि पिछले साल से ही संगठन ने रूपानी के खिलाफ पार्टी को रिपोर्ट दी थी। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि विजय रूपानी के नेतृत्व में सरकार की पकड़ ढीली पड़ रही थी। कामकाज को लेकर रूपानी सरकार की छवि कमजोर हो रही थी, लिहाजा बीजेपी को यह कदम उठाना पड़ा। चलिए बताते हैं कि गुजरात की सत्ता रूपानी ने कब संभाली थी। 65 वर्षीय रूपानी को अगस्त 2016 में हार्दिक पटेल की अगुवाई वाले पटीदार आंदोलन के चलते तात्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद यह पद पहली बार संभाला था। 2017 के चुनाव में भाजपा के अपेक्षाकृत लचर प्रदर्शन के बावजूद उन्हें दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसके बाद आज पीएम मोदी के शिरकत वाले पटीदार समाज के ही एक बड़े कार्यक्रम के अचानक बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत को इस्तीफा सौंपने को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म है। उस कार्यक्रम में राज्य के कई पटीदार नेता मौजूद थे। वैसे रूपानी को पद से हटाए जाने की अटकलें पिछले कुछ समय से गुजरात में सुनी जा रही थी और आज रूपानी ने इस्तीफा भी दे दिया। रूपानी के सीएम पद से हटने के बाद अब सवाल यह उठने लगा है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी के कई नेता आगे चल रहे हैं। इन्हीं नेताओं में एक नेता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का भी नाम शामिल है। गुजरात के अगले सीएम की पद की रेस में जो नाम चल रहे हैं, उनमें मंडाविया के अलावा केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला सीआर पाटिल का नाम शामिल है। मालूम हो कि मनसुख मंडाविया को जुलाई महीने में मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के समय डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा गोवर्धन जदाफिया का भी नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रूपानी के बाद गुजरात की कमान भाजपा किसे सौंपती है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम से आप हमसे जरूर जुड़ें।